हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। ये मैंने बुकरम ली हुई है और इसको डबल किया हुआ है। डबल करके इसकी चौड़ाई करीब करीब 4.5 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 9 इंच है। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। इसकी चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखें। इसके बाद हम एक निशान 7.5 इंच पर लगाएंगे। ये निशान भी आप उतने इंच पर लगा सकते हैं जितने आप नेक पहनते हैं, यानी इससे कम पर भी आप इस निशान को लगा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर भी 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। ये निशान लगाने के बाद हम इसको पान की शेप देंगे इस तरह से। ये निशान लगाने के बाद हम इसको देखिए यहाँ से राउंड शेप देंगे इस तरह से। ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ से करीब 1/2 या 1.25 इंच पर इस तरह से हम निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से आएगा। आप इसको बैक साइड में भी बना सकते हैं, लेकिन लेंथ आप अपनी लेंथ उतनी रखें जितने आप बैक साइड के नेक पहनते हैं। इसके बाद हम अपनी कुर्ती का कपड़ा लेते हैं और उसको बीच में से ऐसे फोल्ड करते हैं और उसके ऊपर हम 3 इंच पर एक निशान लगाते हैं और जहाँ पर हमने ये निशान लगाया है वहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा देंगे। इसके बाद हमने जो कट लगाए हैं इन कट के ऊपर हम अपनी बुकरम के कॉर्नर रखते हैं और अपनी बुकरम को पेस्ट कर लेते हैं। और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से रखिए और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। और इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए चारों तरफ से इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं और किनारे से थोड़ा सा हटके इसके ऊपर एक सिलाई लगाते हैं। चारों तरफ से फोल्ड करने के बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और इसके बीच में क्रीज बना लेते हैं और बिल्कुल बीच में हम एक कट लगा लेते हैं और इस क्रीज के ऊपर हम एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं, उसमें भी हम बीच में क्रीज बना लेते हैं और बीच में कट लगा लेते हैं और इस क्रीज के ऊपर भी हम एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम ये दोनों कटे एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए हम सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। देखिए बीच में मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और बीच में सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम बीच बीच में छोटे छोटे कट लगाएंगे। पूरे नेक पर हमें कट लगाने हैं। इसके बाद हम अपने नेक को इस तरह से पलट लेंगे। इसके बाद हम अपने नेक का अंदर वाला डिज़ाइन तैयार करते हैं और अपने मैचिंग के कपड़े पे इस तरह से हम अपने डिज़ाइन को पेस्ट कर लेते हैं। बीच में थोड़ी सी जगह बचनी चाहिए और चारों तरफ भी हमारी जगह बचनी चाहिए। सीधा हिस्सा हमारा अंदर की तरफ होना चाहिए। इस पीस का भी सीधा हिस्सा अंदर की साइड है और इसका भी सेम साइज के हमें 2 पीस लेने हैं और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर हम उन्हें रखते हैं और हम यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे। यहाँ से इस तरह से यहाँ तक, थोड़ा नीचे तक और इसके ऊपर भी यहाँ से यहाँ तक। बुकरम के बराबर में ये सिलाई हमें लगानी है। तो
थोड़ा नीचे तक हम इस सिलाई को लगाएंगे बुकरम से और वापस थोड़ा सा पक्का करके हम इसको छोड़ देंगे। देखिए दोनों साइड मैंने बुकरम के बराबर में सिलाई लगा ली है। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम दोनों हिस्से अलग कर लेते हैं और इस तरह से हम कटिंग करेंगे। जिधर हमारी सिलाई है उधर हम थोड़ा कम कपड़ा छोड़ते हैं। और इस साइड हम थोड़ा ज़्यादा कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद जिस साइड हमारी सिलाई है उस साइड हम इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे। दोनों पट्टियों पर हमें इसी तरह से कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद हम अपनी पट्टियों को पलट लेते हैं इस तरह से और पलटने के बाद हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। पलट कर प्रेस करने के बाद हम सबसे पहले सिलाई की साइड इसके किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। दोनों पट्टियों पर हमें ये सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम तक अपने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हैं जहाँ तक हमारी बुकरम है और इसके ऊपर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। दोनों पट्टियों पर हमें इसी तरह से ये निशान लगाने हैं। देखिए ये हमारा बीच सेंटर का निशान है। तो बेटर तरीका यही होगा जो हमारे ये निशान है पहले हम बीच में से सिलाई लगानी शुरू करेंगे ताकि हमारा नेक एकदम सही आए और इन निशानों के ऊपर अपने नेक को इस तरह से रखते हुए पहले हम यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे, यहाँ तक लगा देंगे, फिर हम वापस बीच में आएंगे और ये निशान जो हमारा है इसके ऊपर भी अपने नेक को इस तरह से रखते हुए इस साइड से भी हम इसको जोड़ देंगे। देखिए इसके बाद हम वापस बीच में आते हैं और अपनी दूसरी पट्टी को रखते हैं और इसके ऊपर भी हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। देखिए ये हमारे नेक की उल्टी साइड है, इसमें मैंने देखिए बिल्कुल बीच में दो डोरी रखी हुई है और हम इनको इस तरह से सिलते हैं। आगे की साइड हम इनको निकाल लेंगे। और दोनों साइड से हमें इस तरह से इनको सिलना है। ये आगे की तरफ सेट हो जाएंगे आराम से। और अगर आपको डोरी बनानी नहीं आती है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारे नेक की सीधी साइड है। ये दोनों डोरी हम आगे की तरफ इस तरह से निकाल लेते हैं और यहाँ से हम इनको इस तरीके से सील लेंगे ताकि ये आगे की तरफ ही रहे, यानी यहाँ से इनको आपस में नेक के साथ ऐसे जोड़ लेंगे तो ये पीछे की साइड नहीं जाएंगी, आगे की साइड ही रहेंगे। और फिर पीछे ले जाकर हम अपने धागे को पक्का करके इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे गले का फाइनल लुक है और आप देख सकते हैं कितना इजी तरीके से कितना अच्छा हमारा नेक डिज़ाइन तैयार हुआ है। आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।